Chernobyl Reactor 4 is now a nuclear bomb. Lid of the reactor and seized troll rod and fuel channel caps, which each weigh 350 kilograms, are jumping up and down. But there's nothing he can do to stop what is coming. The steam blows more fuel channels apart. We do not know how high the power went. Have a reading. Reactor 4, explosion. It combines with hydrogen and superheated graphite. अप्रैल 1986 की रात 1:23 पर रशिया के एक न्यूक्लियर बेस में अचानक एक ब्लास्ट होता है। ये धमाका कोई मामूली धमाका नहीं बल्कि एक न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन के नतीजे में होने वाला ब्लास्ट था, जिसका मतलब रेडिएशन से भरी जहरीली हवाएं आबादी की तरफ बढ़ कर इंसानों को मौत की नींद सुला देंगी। ये ब्लास्ट इतना खतरनाक था कि हिरोशिमा और नागासाकी पर अटैक किए गए एक मिसाइल जैसे 400 मिसाइल्स को एक साथ ब्लास्ट किया जाए तब जाकर रशिया के न्यूक्लियर बेस में हुए ब्लास्ट जितनी पावर जनरेट कर पाए। और अगर सही वक्त पर इस ब्लास्ट की रेडिएशन पर काबू ना किया जाता तो आज पूरा यूरोप माजी की कहानी बन चुका होता। एग्जैक्टली क्या हुआ था इस दिन और क्यों इस धमाके को इंसानी तारीख का बदतरीन न्यूक्लियर ब्लास्ट समझा जाता है, आइए एक्सप्लोर करते हैं आज ही इस वीडियो में। यह उस वक्त की बात है जब रशिया को सोवियत यूनियन के नाम से जाना जाता था, तब यूक्रेन सोवियत यूनियन का ही हिस्सा था। सन 1950 के बाद सोवियत यूनियन ने बहुत सारे एटमी तजुर्बात किए, इनमें से मिलिट्री टेक्नोलॉजी से लेकर सिविल मैकेनिज्म में भी न्यूक्लियर बेस्ड टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की तैयारियां शुरू की जा रही थी। न्यूक्लियर पावर प्लांट इसी मिशन का हिस्सा थे। न्यूक्लियर पावर प्लांट सस्ती बिजली की पैदावार के मकसद के लिए बनाए जाते हैं। सस्ती बिजली बनाने के तरीकों में से कुछ तरीके आप स्क्रीन पर सकते हैं। इन तमाम तरीकों का शॉर्ट आंसर एक टरबाइन यानी पंखे का घूमना है। अब टरबाइन जितना ज्यादा तेजी से और देर तक घूमेगा उतनी ज्यादा बिजली जनरेट होगी। हाइड्रोलिक पावर प्लांट में पानी के प्रेशर से टरबाइन को घुमाया जाता है, लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट के केस में एटम के अंदर मौजूद न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के केमिकल चेन रिएक्शन से हीट प्रोड्यूस करके इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। अब ये तो हम सब ने पढ़ा होगा कि एटम तीन चीजों से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के हमेशा आपस में लड़ने की वजह से न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन होता है, जिसे हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं, जिसकी वजह से हर वक्त छोटे छोटे धमाके होते रहते हैं और ये लूप इसी तरह एंडलेस चलता रहता है। यही सेम तरीका एटॉमिक बॉम्ब्स में बनाया जाता है। प्लांट का जिस रिएक्टर नंबर 4 में ब्लास्ट हो उससे एक दिन पहले यानी 25 अप्रैल को रिएक्टर नंबर 4 का टेस्ट हो रहा था, जो कि नाकाम होकर एक दिन डिले हो गया। टेस्ट की वजह ये थी कि बाकी जो रिएक्टर्स थे उनके टेस्ट कामयाबी से मुकम्मल हो चुके थे। अब बारी थी रिएक्टर नंबर 4 की। टेस्ट की सबसे बड़ी वजह ये चेक करना था कि रिएक्टर में मौजूद पानी से बनने वाली स्टीम यानी भाप लाइट के क्रैक डाउन होने की सूरत में रिएक्टर के टर्बाइन को कितनी देर तक चला सकती है, यानी बिजली के बंद होने की वजह से जो रिएक्शन प्लांट के अंदर हो रहा होगा उसको कूलिंग रखने के लिए पानी की मोटर की सप्लाई को जारी रखने के लिए क्या 1-2 मिनट के लिए टरबाइन घुमाकर बिजली प्रोड्यूस कर सकता है या नहीं। अगर टरबाइन 2 मिनट तक बगैर बिजली के बिजली जनरेट कर सकता है तो ठीक, नहीं तो रिएक्टर के डिजाइन को चेंज करना पड़ेगा। रात 11 बजे के बाद टेस्ट की तैयारी शुरू होती है। टेस्ट के लिए रिएक्टर की बिजली प्रोड्यूस करने की मिकदार 700 मेगावाट होनी चाहिए थी और उस वक्त रिएक्टर टोटल 1600 मेगावाट जितनी पावर जनरेट कर रहा था। बिजली की मिकदार को कम करने के लिए रिएक्शन को कम करना था। रिएक्शन की तादाद कम करने के लिए रिएक्टर की कंट्रोल रॉड्स को मॉडरेटर में डाला गया। मॉडरेटर चूंकि ग्रेफाइट से बनाया गया था और रॉड्स बोरोन कार्बाइड से बनाई गई थी। बोरोन्स की रॉड न्यूट्रॉन को जब्स कर लेती है। पावर कम करने के लिए जैसे ही रॉड्स को अंदर डाला गया पावर सप्लाई 700 मेगावाट से भी नीचे जाकर 30 मेगावाट तक जा चुकी थी, लेकिन टेस्ट के लिए कम से कम 700 मेगावाट की बिजली चाहिए थी। उस रिएक्टर के इंचार्ज ने टीम को ऑर्डर दिया कि रॉड्स बाहर निकाल लो ताकि रिएक्शन की सप्लाई ज्यादा हो सके। अब RBM के 1000 वाले डिजाइन के मुताबिक उस वक्त चेर्नोबिल प्लांट के अंदर 51 रॉड्स मौजूद थी और लो के हिसाब से 15 से कम रॉड रिएक्टर में कभी भी नहीं होनी चाहिए। इंचार्ज ने सोचा कि ज्यादा रॉड्स निकाल कर रिएक्शन को 700 मेगावाट
पिलाकर रॉड्स वापस डाल दी जाएंगे। इस वजह से उसने टीम को ऑर्डर दिया कि सिर्फ 8 रॉड्स के अलावा बाकी तमाम रॉड्स को निकाल लिया जाए, जो कि रूल्स के खिलाफ था। ऑर्डर के मुताबिक रॉड्स को बाहर निकाल लिया गया। अब रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था। रिएक्शन की मिकदार 700 मेगावाट तक जा चुकी थी, लेकिन वर्कर्स अपनी गफलत की वजह से रॉड को वापस रिएक्टर के अंदर डालना भूल गए। रात 1:19 पर अचानक रिएक्टर के वाटर स्ट्रीम से गैस खारिज होती है और इतनी प्रेशर से निकल रही होती है पूरी बिल्डिंग में उसकी आवाज सुनी जाती है। 1:20 पर पूरे प्लांट की बिजली क्रैक डाउन हो जाती है।